चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। कसम से राजा तेरे हाथों में वो है वो। वो क्या माजी? वो जो आमल बाबा के पास होता है ना। मक्कल? नहीं मक्कल नहीं, वो जो दूसरों पे करता है। तावीज माजी? मेरे घर में कोई आमल तावीज और जादू करने की कोई बातें नहीं होगी, समझे? हाँ, जादू तेरे हाथों में जादू है राजा। हाँ अभी माजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बस एक काम करो, दोपहर के खाने में ना 5-6 डिशे बनाना, ज्यादा ना बनाना, तकल्लुफ नहीं करना कोई भी। सुनो 2 मीठे भी बना लेना, अरे मीठे के बगैर तो खाने का मजा ही नहीं आता ना। यार बस भी करते हैं आप लोग, जब से आए हैं खाने ही खाए जा रहे। ठीक कह रही है रुखसाना, मैं भी खा खा के थक गई हूँ, चल चल के शॉपिंग करें। पापा जी 10-20 हजार रुपए दे देना प्लीज शॉपिंग के लिए। माँ जी मेरे पापा हैं। हाँ तो तेरे पापा मेरे पापा रुखसाना। ये खूबसूरत है। ऐसे तो ना कहे पापा जी, बेटियों में ना ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए, मैं भी खूबसूरत हूँ, दे देना प्लीज पैसे 10-20 हजार। तुम्हारा पापा नहीं हो? मुझे तो देना पापा जी। थैंक यू पापा जी, चार छोड़ो। थैंक यू पापा जी, पापा जी थैंक यू। यार महमूद साहब मैंने सोच लिया है, गाड़ी बुक करते हैं, चलते हैं फूड स्ट्रीट, वहां जाके खाएंगे कीमे वाले नान और साथ कटाकट और लस्सी का बड़ा गिलास। मैंने ना नारकली जाना है शॉपिंग करने, उसके बाद मैं दाता दरबार साहब का लंगर खाने जाऊंगी, इतनी मजे की चने की बिरयानी होती है। ओहो बस तो फिर मैं भी लंगर ही खाऊंगा भाई, ये पैसे ना मैं बचा लेता। यार मैं मुसाब का जूसी की हद होती है वैसे। क्या हो रहा है नबील? देखो ना जानू, माँ जी और महमूद साहब किस तरह कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं यार। पापा जी ने जो पैसे दिए दबा के बैठ गए हैं। और जानू तुम बस सिर्फ एक काम करो, तुम पापा जी से कहो जितने दिन हम यहाँ हैं ना, बस रोज हमें 10,000 रुपया फीकस वो जेब खरीदे दिया। शाबाश है, फिर तो मैं आराम से 5-6 महीने इधर ही रहूंगी ताकि कुछ पैसे जमा हो जाएं, फिर मैं इफ्तिखार के साथ मरी जाऊंगी। अरे कौन इफ्तिखार भाई? आप और कौन? कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब आज ही कराची के लिए वापस निकल रहे हैं। ये क्या बात हुई, अभी तो हम आए थे, कुछ महीने तो मुझे पापा जी की खिदमत करने दो ना। पापा की खिदमत? नबील तुम तो जब से यहाँ आए हो तुमने हिल के पानी तक नहीं पिया। वो तो मैंने मना किया था कि हिल हिल के पानी नहीं पीना, फंदा लग जाता है। जो भी हो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दे। भाई पापा की सर्जरी हो गई है, सब ठीक है, अब मैं उन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओके स्टार्ट पैकिंग। मेरी खुशियों को तो किसी की नजर ही लग गई है माँ जी। पुत्र मेरी नजर तो बड़ी कमजोर है, ये यकीनन फारूक की नजर लगी होगी तुझे। कौन फारूक माँ जी? ये तेरे फूफा जी बैठे ना सामने। अरे भाई मैं इसका बाप हूँ मुमताज। अच्छा मुमताज भाई, आप बुरा तो ना माने प्लीज। ओ माँ जी अब घर जाने की तैयारी करें यार, क्या था अगर सचमुची पापा जी टपक जाते। मुझे नहीं लगता शगुफ्ता का पापा इतनी आसानी से मरने वाला है। भाई मर तो सकता है अगर हम चाहें तो। महमूद साहब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पापा जी का मर्डर कर दूं? इतना संग दिल नहीं हूं मैं सिर्फ उनके मर्डर का प्लान बना सकता हूं। देखा मेरा पुत्र कितना हसास है। अरे हाँ देख लिया है कितना हसास है ये। देखो हम सब ना बारी बारी ट्राई करते हैं, और याद रखना है सबने कि हमने कत्ल का इल्जाम राजा पे लगाना है। ठीक है माँ जी, सबसे पहले आप जाएं और जाके पापा जी को गहरी नींद सुला दे। उतर लोरी सुना के उस मोटे को सुला दूंगी, मेरी आवाज बड़ी सुरीली है, बिल्कुल लुमड़ी जैसी। कोयल जैसी मुमताज, कोयल जैसी। ओए कौन है ये कोयल जैसी मुमताज जिसे आप मेरे सामने याद कर रहे हैं? अरे मुमताज तुम हो यार, और तुम्हें सदीकी साहब को लोरी नहीं देनी है, अरे खून करना है खून। बस इतनी सी बात, ले ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगी। तुम लोग अपने अपने नाक लाओ इधर। नाक? हाँ। देखिए सुल्तान साहब। कौन सुल्तान साहब? सुल्तान साहब तो मैं आपको कह रही हूँ। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मेरा नाम सिद्दीकी है। ओचो
मैं तो जी सुल्तान साहब के लिए शरबत लाई थी। ओए लेकिन ये तो चाय है। लो जी मौजजा हो गया, वो किचन से लाते लाते ना चाय बन गई है, आपके वफादार मुलाजिम ने बनाई है। मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी है। ऐसा ना करें फिर हमारे प्लान का क्या होगा। प्लान? कौन सा प्लान? वो जो वकील ने बनाया। वकील? और तुमने मुझ पर केस करने लगे हो? ये तो नहीं बताया, बस इतना कहा था कि आपको ये दूध पिला दूं। ओ ये दूध नहीं है, चाय है। हाँ ये दूध वाली चाय आपको पीनी पड़ेगी। ले नहीं पीनी मैंने। ले ले। और नहीं पीनी। अरे ये आपने क्या किया है? इतनी मुश्किल से मिला था। क्या चाय का कप? नहीं नीला तो था। क्या? देखो ये क्या है। हाँ ये तो केचप की बोतलें लग रही हैं। आप ऐसा करें चिप्स ले आएं जल्दी से। ओहो ये केचप की बोतल नहीं है बेवकूफ औरत, ये टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब? ये टाइम बताता है अफ्ताखार? अरे ये टाइम नहीं बताता। अच्छा तो फिर ये मुस्तकबिल का हॉल बताता है। जरा जल्दी से पूछे ना कि मुझे हुमायूं सईद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओ माँ जी ये बॉम्ब है, बॉम्ब ये पापा जी को उड़ा देगा। आए, मुझे भी उड़ना एक फील। ओ माँ जी समझने की कोशिश करें, ये टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, इधर फटा उधर पापा जी का गेम फिनिश। तो ठीक 2 बजे पापा जी नहाने के लिए जाते हैं, जैसे ही पापा जी बाथरूम में जाएंगे पानी बंद कर देंगे उनका। हाँ नहीं, हम ये टाइम बॉम्ब उनके कमरे में रख देंगे, बस 1 मिनट में गेम खत्म। ले जब खेल खत्म हो जाएगा तो हम खेलेंगे क्या इश्फाक? फिर माँ जी हम करोड़पति खेलेंगे। हाँ। सारी जिंदगी। हाँ। ये चीज मेरे अजीज, आओ मेरे साथ। आओ आओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी। ये कारतूस तो बिल्कुल बेकार निकला आपका। ये कारतूस नहीं बॉम्ब है, बॉम्ब। बहुत कभी देखे सही, मैं मुझसे ज्यादा टाइमिंग तो नहीं लगा दी थी उसको। ये बॉम्ब चल क्यों नहीं रहा? मैं मुझे मुझे लगता है आपको कोई चूल्हा लगा गया है, इसीलिए बड़े गोरे गोरे लग रहे हैं। तो माँ जी मेरा मतलब है ये बॉम्ब नकली था यार। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता नबील, मैं अभी जाके देखता हूँ। जाए जाए यार जाए। पापा के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जानो, कुछ नहीं। धमाके का इंतजार। धमाका? नबील बम चल गया। मम साहब आप पापा जी गए? पापा तो मेरे कमरे में, उनका एसी नहीं चल रहा था। हो ईशा वशे, इसका पापा फिर बच गया। बच गया मतलब? नबील ये सब क्या चल रहा है? ले हमने तो कोई प्लानिंग नहीं की। नबील किस किस्म की प्लानिंग की बात कर रही है माँ जी? कुछ नहीं जानू पापा जी, कसम कुछ भी नहीं है। माँ जी मैं मुझे आपको कमरे में खूबसूरत, ये धमाके की आवाज कैसे दी? पापा आपके बेडरूम में धमाका हुआ है। मेरे बेडरूम में धमाका कैसे? पता नहीं पापा, वो तो शुक्र है आप रूम में नहीं थे। महमूद साहब का बहुत बुरा हाल हुआ है। साहब जी कहीं इस घर में आपके कत्ल की साजिश तो नहीं हो रही? मेरा कत्ल? हाँ साहब जी मुझे तो पूरा यकीन है, खूबसूरत बीबी के ससुराल वाले आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। आप कहें तो मैं साबित कर देता हूँ जी। वो कैसे? किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया। बहुत भारी है भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा जी आप? ओए अगर ये पापा है तो फिर ये कौन है? अरे ये तो राजा है नबील। अच्छा
तुम लोग मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस बुला लो साहब। मुझे माफ कर दें पापा जी, मैं बेकसूर हूँ। बेशक पुलिस बुला लें, मैं इन दोनों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। हाँ। माँ जी, हम तो ऐसे ही पापा जी से थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। मैंने नबील से कहा भी था कि भैया अपनी उम्र देखो, पापा जी की उम्र देखो, तुम्हारा उनका क्या मजाक। महमूद साहब शरफ, नबील तुम नालायक कामचोर और मुफ्तखोर तो थे, अब तुम कातिल भी बनना चाहते हो, वो भी मेरे पापा का कत्ल करके। अब तो हम इसी वक्त जाएंगे। फौरन चलो अपना सामान पैक करो सब। ओके जानू। हाँ पुत्र, खैर नल जाएं, हम आराम से 4-6 महीने बाद आ जाएंगे। आप लोग चले मेरे साथ। खुदा हाफिज़ पापा। चलो बेटा अब हम चलते हैं। हाय, हम चल के कराची जाएंगे पुत्र। नहीं माँ जी, गाड़ी में जाएंगे। हुशावश, तेरे चाचा जी हमें गाड़ी करा के दे रहे। नहीं माँ जी, चले देर हो रही है। चले चले, मैं तेरा पापा जी से मिल लूँ। पापा जी। अच्छा जी। पापा जी। अच्छा। अच्छा पापा जी, अल्लाह हाफिज़। तो शुक्र है तेरा। चले चले भाई, जल्दी करें। अरे खूबसूरत नबील, तुम लोग कब आए और मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हो? आप कौन है? अरे बेटा, मैं तुम्हारा पापा सिद्दीकी। आपको पूरा यकीन है कि आप समीना के पापा हैं? मैं समीना का नहीं, खूबसूरत का पापा हूँ। मेरा दिल ये कह रहा है कि आप ही मेरे असली वाले पापा जी हैं। असली? हाँ सिद्दीकी साहब, अंदर कोई ना बहरूपिया घुस बैठा है, वो अपने आप को सिद्दीकी कह रहा है। उसी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। क्या, मेरे होनहार दामाद की इतनी बेइज्जती? अरे मेरे बाद सब कुछ इसी का तो है। क्या? हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ ये दूसरा सिद्दीकी कहाँ से पैदा हो गया रातों रात। आज वो। अरे ये क्या है बेटा, अभी तो आप गए थे फिर आ गए? ये लोग यहीं रहेंगे, तुम निकलो। मगर तुम हो कौन? अरे मैं हूँ इस घर का मालिक, सिद्दीकी। अरे सिद्दीकी तो मैं हूँ। तुम संगे मरमर के गोंगलू मेरे पापा जी नहीं हो सकते। मेरे पापा जी ये हैं, इनसे मुझे मछली की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। शट अप नबील, इस प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पापा जी कौन है। खूबसूरत बीबी, यही आपके पापा है? ओए राजा के बच्चे, तुम हमारे फैमिली मैटर में मत टांग लड़ाओ। जानू, मुझे लग रहा है ये जो मुलाजिम है ना, ये संगे मरमर के गोंगलू से मिला हुआ है। खूबसूरत बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। खूबसूरत बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पापा, सिद्दीकी। अभी ये क्या हो रहा है यार, कैसे पता चलेगा कि पापा कौन है? टास कर ले शाहना। खूबसूरत, इन दोनों में से मुझे ये वाला कुछ कुछ खूबसूरत लग रहा है। ओ बस इतनी सी बात जानू, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, आप दोनों मेरे साथ लॉन में आए। तुम सामान रखो। चल भाई, चल भाई किरले, हमारा सामान कमरों में रख। अच्छा तो पापा जी नंबर 1, आप ये बताइए कि आपने मेरी शादी पर कितनी सलामी दी थी? 10,000 रुपए। गलत जवाब, मेरे प्यारे पापा जी ने मुझे पूरे 50,000 सलामी दी थी। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपकी दूसरी बीवी का नाम क्या था? बेटा, मगर वो उस उम्र के लिए मुझे अकेला छोड़ गई। बिल्कुल सही जवाब, पानी का कूलर आपका हुआ। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि रुखसाना के बेटे का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। देख लो जी मिला, इसे अपने नवासे का नाम तक नहीं मालूम है। पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी तो बेटी है। हाँ चांदी, मेरी नवासी का नाम चांदी है। नबील अब कैसे पता चलेगा? जानू अब मुकाबला होगा। जानू कैसे मुकाबला भाई, सिद्दीकी तो मैं ही हूँ। हम फैसला करेंगे कि कौन सिद्दीकी है। हाँ, पहले पंजा लड़वाते हैं फिर कुश्ती करेंगे। कुश्ती? ये कुश्ती कहाँ से आ गई? अरे मैंने कहा ना मैं ही सिद्दीकी हूँ। ये तो अभी पता चलेगा ना बच्चों। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं यार बबल। अरे बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा। अरे खूबसूरत बेटा अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मैं ही हूँ तुम्हारा पापा सिद्दीकी। कुछ कुछ जी। नहीं नहीं खूबसूरत बाखुदा यकीन करो मेरी बात का बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ सिद्दीकी। पापा चल शर्मीन जल्दी से डिसाइड कर ले इन दोनों में से एक को ना घर से निकालना है बच्चू। जानू मैंने तुम्हें कितना समझाया था ये आदमी मुझे पहले शातर लग रहा था लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। चुप करो नबील सालों से मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ और तुम मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ कर रहे हो। मेरा खर्चा मेरे पापा जी उठा रहे थे मक्कार आदमी। ओफो मैं ही हूँ सिद्दीकी मैं ही हूँ। अरे तुम सिद्दीकी हो ही नहीं सकते। अरे सिद्दीकी साहब इतने बुरे नहीं थे जितना बुरा सलूक तुम हमारे साथ कर रहे हो। हाँ कसम से इतना प्यार करते थे ना वो मुझसे। मुमताज हाँ मेरा मतलब है मुमताज मेरे भाइयों जैसे है महसूस। अरे खूबसूरत बेटा तुम परेशान मत हो अभी इस फुराटी से मैं निपटता हूँ। खूबसूरत बेटे यकीन करो मैं ही तुम्हारा पापा मुझे बचा लो इन सब से। उफ़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ टाइम चाहिए मैं अकेले बैठ के आराम से सोचूंगी फिर फैसला करूंगी कि आप दोनों में से मेरे पापा कौन है। ठीक है चलो ठीक है पापा जी आप बैठे हम लंदन का ट्रिप प्लान करते हैं बैठे यहाँ जाओ तुम चाय बना के लाओ। क्या मतलब है देखिए पापा जी प्लान ये है बीबी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो भाई। खूबसूरत बीबी जो इस घर में रह रहे थे वही आपके असली पापा हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो मेरे पापा हैं? देखिए मैंने इस घर का नमक खाया है। तुम खाते हो नमक खाना खाया करो किसी ने मना किया है? मेरा मतलब है बीबी जी मैं बड़ा वफादार हूँ इस घर का। हाँ हाँ अच्छा भाई मैं पापा से कह के तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगी अब जाओ यहाँ से। बीबी जी मुझे आपसे काम है। अच्छा भाई जल्दी बोलो मैं बहुत परेशान हूँ। खूबसूरत बीबी मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप फौरन पहचान लेंगी कि आपके असली पापा कौन है। तो बताओ। देखिए आप अंदर जाके ना जानू जल्दी से अपना फैसला बताओ ताकि मैं मक्कार आदमी को निकाल सकूं। आपको कह रहा है। अरे मुझे नहीं कह रहा वो इस नकली पापे को कह रहा है। हाँ लेकिन कफील कह रहा है कि आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं। नबील ओहो प्लीज बस करें मैंने फैसला कर लिया मेरे पापा इन दोनों में से वही होंगे जो नबील को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 करोड़ की रकम देंगे। 2 करोड़ जानू तुम मुझे आज इतनी अच्छी लगी हो ना पहले कभी नहीं इतनी अच्छी लगी हो। हाँ पुत्र तू खामखा से चड़ेल चड़ेल कहता था बेचारी को। वो तो जानू प्यार से कहता था ना यार मैं इस रकम में नालायक को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और तू कहाँ से देगा नकली सिद्दीकी पैसे मैं दूंगा 2 करोड़ रुपए अपने प्यारे दामाद को। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद अपने प्यारे दामाद के नाम कर दूंगा। Shut up, you fraud. तुम मेरे पापा हो ही नहीं सकते। अरे शुक्र है बेटा तुमने मुझे आखिरकार पहचान लिया। एक मिनट अब मुझे बताओ तुम हो कौन। उड़ा दे पापा जी इसको उड़ाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुम खुद ही मुझे नकली सिद्दीकी बनाकर लेके आए थे। तुम लोगों ने पूरी 20 लाख की डील की थी मेरे साथ और अब मुकर रहे हो। नबील घटिया आदमी ये सब तुम्हारा प्लान था ना। बस अब तुम सब गोली खाने को तैयार हो जाओ। मेरे से गोली नहीं खाई जाती आप मुझे कोई सिरप विरप दे दें डॉक्टर साहब। और जब मैं पिस्तौल की गोली की बात कर रहा हूँ। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते।